दक्षिणी दिल्ली के 6 कॉलोनियों में सरकारी आवास बनाने के लिए करीब 16,000 पेड़ काटने की योजना के खिलाफ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी के मामले की सुनवाई तक रोक लगाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी के पेड़ काटने पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप आवास बनाने के लिए हजारों पेड़ काटना चाहते हैं और क्या दिल्ली ये अफोर्ड कर सकती है। कल आम आदमी पार्टी की विधायक ने हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने हमारी बात को सुनी। दिल्ली सरकार स्पष्ट तौर पे हाई कोर्ट में और एनजीटी में ये कहेगी कि इन्होंने छोटे छोटे चंक्स के अंदर ये परमिशन ली है। एलजी साहब ने हो सकता है थोड़े थोड़े पेड़ सोच के ये परमिशन दी हो, मगर दिल्ली की सरकार आज ये मानती है कि लोग बहुत ज्यादा आहत हैं दिल्ली के, ये पेड़ नहीं कटने चाहिए और इन सबको अगर जमा करके 16,000 से 17,000 पेड़ जो बनते हैं ये अपने आप में बहुत डिजास्ट्रस फिगर है, ये तो बर्बाद कर देने वाली फिगर है। लिहाजा जो परमिशन दी गई है उसको भी हम रिविजिट करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे उसको भी रिवोक करें दिल्ली सरकार, और आगे 11,000 पेड़ों का जो सवाल है उसमें हम एक पेड़ काटने की भी परमिशन एलजी साहब को भी नहीं देने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि एलजी साहब भी इसकी परमिशन ना दें। आज दिल्ली सरकार के वकील को हालांकि बुलाया नहीं गया था क्योंकि पार्टी नहीं बनाया हुआ था उन्होंने, मगर दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रमेश सिंह जी जो हमारे सीनियर मोस्ट हैं वो वहां पे अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि हमें भी इसके अंदर पार्टी बनाया जाए और कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसके अंदर पार्टी बना लिया है और अब दिल्ली सरकार अपना रुख साफ तौर पर इन पेड़ों को कटने के खिलाफ आगे भी रखेगी और रखती रहेगी। हमारा ये मानना है ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की अनुमति केंद्र सरकार के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी जिसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 17,000 पेड़ कटेंगे, इसकी प्लानिंग केंद्र सरकार ने की है। दिल्ली के बीचों बीच इस तरीके की प्लानिंग ठीक नहीं है। आप अफसरों को, वीआईपीज को और पॉलिटिशियंस को बसाना चाहते हैं तो बसाइए, मगर पेड़ों को रहते हुए भी उनको बसाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद एनबीसीसी की ओवरटेकिंग दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 4 जुलाई तक दिल्ली में पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इस मामले की सुनवाई एनजीटी में 2 जुलाई को होनी है।